मैं डॉक्टर सुरेश गवई। सुरेश जी, आप किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं या यहाँ पे क्या डिमांड है आपकी? मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मैं जय संविधान के नारे से आया हूँ और मैं जय संविधान के नारे से या समाज सेवा का काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इसी काम के लिए आया हूँ कि बाबा साहब का 125वीं जयंती अभी आने वाला है और उसके पूर्व मैं सरकार से कुछ मोटी मोटी मांगे करने आया हूँ कि जो हमारे दलित शोषित समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसे दूर करने के लिए वो मांगे मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वो डिमांड आपकी क्या है जो प्रमुख गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं? मेरी वो ऐसी मांगे है कि कई वर्षों से 1966 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद होके, जब से अभी तक हमारे समाज की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और हमारा समाज इलेक्शन में चुन की नहीं आ सकता है, इसलिए हमारे पूरे देश के अंदर हमारे समाज के ऊपर यानी दलित शोषित पीड़ित समाज के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, बाबा साहब ने 1932 में एक कम्युनल अवार्ड लाया था, उस कम्युनल अवार्ड में हमें स्वतंत्र मतदान संघ दिया था, यानी कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि इंग्लिश में उसे कहते हैं सेपरेट एलोटेड कहते हैं, वो हमें दिया था, लेकिन वो हमारा छीना गया है। वो हमारा राजनीतिक हक था, हमारा राजनीतिक हक था, वो महात्मा जी ने 1932 में आरक्षण करके पुनः पैक्ट के अंदर वो हमारा छीना गया। उसी तहत हमें आज SC ST को आरक्षण दिया जाता है, लेकिन वो संयुक्त मतदान संघ से दिया जाता है, लेकिन संयुक्त मतदान संघ में हमारे लोग खड़े रहते तो हमारा गरीब समाज का लोग चुन के नहीं आ सकता, इसलिए हमें सेपरेट इलेक्टोरेट ये दिया था, उसकी हमें मांग करना चाहता हूँ। अभी हम मेमोरेंडम में लिखे हैं नदी को नदियों से जोड़ना, उसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि देखो, इस देश के अंदर पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पानी की समस्या इसलिए बढ़ रही है कि ये देश के अंदर पानी बरबर गिरता नहीं है, कुदरत ने इस देश के ऊपर पानी का कुछ अलग से कुदरत में जो बदलाव आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, जो वार्मनेश आ रहा है, उसकी वजह से देश में पानी नहीं गिर रहा है। तो बाबा साहब ने 1945 में ये बात कही थी ब्रिटिश सरकार से कि अगर उत्तर दिशा में जो नदियाँ बहती है, जो हिमालय से नदी आती है, वो पानी बह के पश्चिम बंगाल में और पाकिस्तान में जाता है, अगर उस पानी को हम हमारे तरफ घुमा लेंगे, हमारा हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और हम बांध बांध के हमारा पानी इधर हमारे देश में आ जाएगा, तो पूरे देश के अंदर पानी की समस्या आने वाले 50 साल दूर हो जाएगी। आज 15-10 साल में इस देश के अंदर ज़मीन में पानी नहीं है, पानी कम होने के कारण यहाँ का किसान, यहाँ का गरीब भूखा मर रहा है, इसलिए उन्हें पानी मिल जाएगा तो उनका बेरोजगारी कम हो जाएगी, उनको रोजी मिलेगी। इसलिए मेरी ये मांग है कि बाबा साहब ने जो 1945 में ब्रिटिश सरकार को दिया था, तो मेरी ये मांग मोदी सरकार से है कि ये मांग अगर वो पूरी करते हैं, हो सकता है देश के अंदर पानी की समस्या 50-100 साल के लिए दूर हो जाएगी। मोदी की जहाँ तक आप नाम लिए, मोदी स्किल डेवलपमेंट योजना लाए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दो स्किल डेवलपमेंट योजना है, वो अच्छी योजना है, जो गरीब जो बेरोजगार को काम मिलेगा, उसको स्किल मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ लोगों को शिक्षा ही नहीं है, स्किल डेवलपमेंट, हम लोग सुतार लोहार पर कारपेंटर बन जाएंगे तो हम बड़े बड़े ऑफिसर बन सकते नहीं है, हमें आरक्षण के खातिर हम बड़े ऑफिसर बन सकते हैं, IAS ऑफिसर IPS बन सकते, वो तो रोक चुके उन्होंने, हमारा IPS ऑफिसर बन सकता है लेकिन वो पढ़ लिख के पढ़ेगा तो बनेगा, अगर वो खाने को नहीं है और रहने को नहीं है, वो पढ़ने को नहीं तो IPS ऑफिसर बने कैसा? स्किल डेवलपमेंट कर भी लेगा तो वो सिर्फ अपने पेट पूरी रोटी कमा सकेगा, अपने समाज के लिए क्या कर सकता है? इसलिए मेरे को स्किल डेवलप के ऊपर मजदूर बनाने का काम उसके अंदर साजिश आ रही है, मेरा उसके ऊपर मेरा विरोध नहीं है, वो आना चाहिए, लोग स्किल सीखा चाहिए, हमारे गरीब लोगों का पैसा ही नहीं तो स्किल कैसे सीखेंगे वो, तो उन्हें सिखाने के लिए आर्थिक सहायता देना चाहिए, उनको पैर पर खड़ा करना चाहिए और फिर उनको स्किल डेवलप करके अपना रोजगारी के लिए तैयार करना चाहिए। 124 एनिवर्सरी पे अम्बेडकर का जो है, उसके पहले आप क्या रणनीति बनाए हैं, इसके बाद आपकी डिमांड ना पूरा हो तो? अभी हमारी ऐसी डिमांड है, अगर 125वीं जयंती के पूर्व हम ये काम कर रहे हैं, अभी 125 जयंती आने वाली है, पूरे देश के अंदर जयंती पूरी धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बाबा साहब को सर पे लिया जा रहा है, बाबा साहब के विचारों को दिमाग में लीजिए और बाबा साहब विचार से जयंती करिए कि जो गरीबों की समस्या, शोषित की समस्या, जो पीड़ित की समस्या, बेरोजगारी, महंगाई, ये दूर हो जाए, इसके लिए मैं पूरा वर्ष भर यहाँ पर अनशन धरना करूँगा और यहाँ के मोदी सरकार को मैं पकड़ कर रखूँगा कि मेरा काम वो पूरा किए, मेरी मांग पूरी की, मेरी डिमांड पूरी की है, पूरी करें। मैं डॉक्टर सुरेश गवई हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहने वाला हूँ, मैं उल्लासनगर में स्थायी हूँ और मेरा व्यवसाय है और मैं बाबा साहब के मूवमेंट के लिए, बाबा साहब का मिशनरी काम करता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर मिशन के लिए काम करता हूँ।